नॉलेज लाइब्रेरी के चैनल में खुश आमदेद। आज इस सीरीज का जो है वो चौथा वाक्य जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो वाक्य कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है अपनी मखलूक से किस तरह की है, कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से किस तरह से मोहब्बत करता है। बनी इसराइल के दौर में बारिश नहीं हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने 70,000 आदमी को लेकर नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, लेकिन बारिश ना हुई और धूप और तेज़ हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, बारिश मांगी है, आप धूप तेज़ करते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि एक ऐसा फ़र्द है जिसकी नाफरमानी जिसने मेरी नाफरमानी की हुई है, जब तक वो अंदर रहेगा बारिश नहीं करूँगा। जब एक आदमी ऐसा हो तो बारिश रुक जाए, रुक गई। जब अक्सरियत ऐसे लोगों की हो तो किस तरह से जो है किस तरह से अजाब नाजिल होते हैं, ये तो आपको खुद ही मालूम है। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज़ में कहा कि निकल जाओ भाई, जो ऐसा आदमी है सारा मजमा महरूम है इसकी वजह से। इसने इधर उधर देखा, जब कोई ना निकला तो दिल में कहने लगा, अब अगर मैं निकलूंगा तो जलील हो जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा, अगर मैं खड़ा रहा तो बारिश नहीं होगी। अब इसका तौबा का ख्याल आया, अब इसने क्या तौबा के बारे में सोचना शुरू कर दिया और वो कहने लगा, या अल्लाह, मैंने तेरी नाफरमानी की है और तूने मुझे कभी न जाहिर ना होने दिया, तो तेरी बड़ी मेहरबानी, आज मेरी इज्जत रख ले, मैं तौबा करता हूँ। इसके अल्फाज ख़त्म ही हुए कि हवा का रुख बदला और बादल आए और बारिश हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, निकला तो कोई नहीं था लेकिन बारिश कैसे हो गई, इसकी क्या वजह थी? अल्लाह ताला ने कहा, जिसकी वजह से रोकी थी इसके तो फैल ही करती, इतनी इतनी जल्दी भी कोई सुलह करता है, 40 साल की दुश्मनी का एक लफ्ज़ पे कोई माफ़ कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, इसकी बरकत की कैसे हो, इस बरकत से इसकी कैसे बरकत से ये बारिश हुई? अल्लाह ताला ने कहा, इसने तौबा कर ली और हमने सुलह कर ली। कहा, या अल्लाह, कौन है? अल्लाह ताला ने कहा, जब वो नाफरमान था तो उस वक्त किसी को नहीं बताया है, जब उसने तौबा कर लिया तो मैं कैसे बता दूँ आपको, मैं जानूँ और मेरा बंदा जाने। आपने देखा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से, इंसानियत से और मखलूक से किस तरह से मोहब्बत रखता है। तो आप भी कोशिश करें कि गलत काम कर ना करें, और अगर गलत कामों में मुलविस हैं उनसे तौबा को इख्तियार करें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आप जिस तरह से दूसरी मखलूक से मोहब्बत करता है वो आपसे भी मोहब्बत करें, और तौबा का ज़रिया जो है वो